हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सीए राजेंद्र अरोड़ा है और दोस्तों आज हम जीएसटी में एक और बड़े इंटरेस्टिंग लेकिन नॉट मच टॉक्ड अबाउट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के ऊपर। दोस्तों हमारे जैसे देश में जो कि एक कृषि प्रधान देश है जहां पर एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है फॉर लाइफ फॉर लिविंग, जीएसटी की क्या इम्प्लीकेशन है एग्रीकल्चर के ऊपर? दोस्तों सेक्शन 23 की जब हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन, अगर आपने एक्सक्लूसिवली आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर रहे हैं, इफ यू आर एन एग्रीकल्चरिस्ट एंड यू आर इन्वॉल्व्ड इन सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड, तो आपको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, यू आर नॉट सपोज टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड। सिमिलरली अब यहां पर जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चरिस्ट की, कल्टीवेशन की, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, इन सब के बारे में बात जानना जरूरी है। जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की तो एग्रीकल्चर को एक्ट में, सीजीएक्सटी एक्ट में कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। एग्रीकल्चर जो है बेसिकली इट इज द साइंस और प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग। जब हम कल्टीवेशन की बात करते हैं, कल्टीवेशन इज प्रिपेयरिंग एंड यूजिंग द लैंड फॉर क्रॉप्स और गार्डनिंग। जब हम बात करते हैं इन दोनों शब्दों के बारे में तो जो भी प्रोड्यूस कल्टीवेशन ऑफ लैंड से बिकता है वो एग्जेम्प्ट है और उसको करने वाला एग्रीकल्चरिस्ट है। एग्रीकल्चरिस्ट की डेफिनेशन यहां पर एक्ट में दी गई है। एग्रीकल्चरिस्ट इंडिविजुअल या एचयूएफ हो सकता है जो भी कल्टीवेशन ऑफ लैंड करता है अपनी लेबर के द्वारा, हायर्ड लेबर के द्वारा, चाहे वो वेजेस पर ले, वेजेस को इन कैश या इन काइंड पे करे, लेकिन इसकी सुपरविजन जो है वो खुद करे या उसके परिवार का कोई व्यक्ति करे, इंडिविजुअल या एचयूएफ एग्रीकल्चरिस्ट। दोस्तों जब हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर है क्या, तो एग्रीकल्चर इट्स मेयरली फार्मिंग, लेकिन हमारे पास नोटिफिकेशन 12/17 सेंट्रल टैक्स रेट जो कि एग्जेम्पशंस के बारे में बात करता है उसने हमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के बारे में बताया और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जेम्प्ट क्या है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एग्जेम्प्ट है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की डेफिनेशन है यहां पर एनी प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एंड रेयरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स एक्सेप्ट हॉर्सेस फॉर फूड, फाइबर, फ्यूल, रॉ मटेरियल और सिमिलर प्रोडक्ट्स। आपने या तो आप कल्टीवेशन ऑफ लैंड कर रहे हैं फॉर प्लांट्स या आप रेयरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स कर रहे हैं, लाइफ स्टॉक्स अदर देन हॉर्सेस। किस लिए आप रेयरिंग ऑफ लाइफ फॉर्म कर रहे हैं? फूड के लिए, फाइबर के लिए, फ्यूल के लिए, रॉ मटेरियल के लिए। फिशिंग कर रहे हैं आप, सिल्क वॉर्म्स आप पाल रहे हैं, फाइबर बनता है, फ्यूल के लिए, फूड के लिए। आप किसी भी तरह के एनिमल्स को अगर आप पाल रहे हैं, रेयरिंग ऑफ लाइफ एनिमल्स कर रहे हैं, और एनिमल्स 6 तरीके के होते हैं दोस्तों, इनवर्टेब्रेट्स, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, ये सारे एनिमल्स हैं। अगर आप इनकी रेयरिंग कर रहे हैं, इनका पालन पोषण करके बड़ा कर रहे हैं किस चीज के लिए? फूड के लिए, फाइबर के लिए, फ्यूल के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, तो ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। इसको बेचने पर जो भी आप सप्लाई करते हैं, पहली बात तो आप एग्रीकल्चरिस्ट कहलाएंगे और इसके ऊपर बेचने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन इसके ऊपर कोई फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होनी चाहिए। फर्दर प्रोसेसिंग सिर्फ इतनी अलाउड है, वो जो नेचुरल फर्दर प्रोसेसिंग है कि जिसको आप फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं फॉर मार्केटेबिलिटी ऑफ द प्राइमरी प्रोडक्ट, आप उसको प्राइमरी सेक्टर में अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए सिर्फ प्रोसेसिंग करते हैं जो कि नेचुरली जरूरी है, इसके अलावा आप कोई प्रोसेसिंग नहीं करते, उसको हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कहेंगे। बेसिकली दोस्तों 4 तरह की एग्जेम्पशंस हैं। अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो एग्जेम्प्ट है, रेल या वेसल से अगर विद इन इंडिया गुड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ट्रांसफर कर रहे हैं तो एग्जेम्प्ट है। इससे रिलेटेड जितने भी सपोर्ट सर्विसेज हैं दोस्तों वो भी सारी एग्जेम्प्ट है। सपोर्ट सर्विसेज टू एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री, सभी तरह की इससे रिलेटेड जो भी सपोर्ट सर्विसेज हैं उसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं वो सारे यहां पर लिखे हैं, जैसे कि सर्विसेज रिलेटिंग टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एंड रेयरिंग ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनिमल,
agriculture operations directly related to production of any agriculture produce, including cultivation, harvesting, threshing, plant protection or testing, supply of farm labor. ये सब तरह के जितने भी support services हैं agriculture को, forestry को, fishing को, animal husbandry को अगर दी गई हैं तो वो completely exempt हैं दोस्तों. दोस्तों हमने कोशिश की है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड सिर्फ रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट जहां पर नहीं है वो बात ना करें, बल्कि एग्रीकल्चर एज सच, एग्रीकल्चर एक्टिविटी क्या है इसमें, और रेयरिंग ऑफ लाइफ फॉर्म्स जो एनिमल्स हैं वो भी कवर होते हैं, उन सब के बारे में डिस्कशन करने की. मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा. हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए. थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स.